हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, हम स्वेटर को दो तरीके से देखिए कैसे सिलें जो हमारे बिल्कुल इनविजिबल लगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये देखिए मैंने एक सैम्पल के तरह से ये देखिए दो पीसेस बनाए हैं जिनमें बराबर के फंदे हैं, बराबर ही मैंने बनाया हुआ है। इधर से भी देखिए, इधर से भी। तो देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो देखिए, जिसमें मैंने एक मैंने स्वेटर बनाया था तो इसका ये स्लीव देखिए मैंने यहाँ पर ये सिला हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे इसको देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से सिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल भी देखिए, बिल्कुल भी इनविजिबल लग रहा है। बस आपको ये लग रहा है कि यहाँ यहाँ से हमारे फंदे कहाँ कहाँ से बड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए, इसको हमें कैसे सिलना है तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, एक तरीका मैंने इसमें ये यूज़ किया था और आपको आगे के वीडियो में मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये देखिए जो मैंने शोल्डर यहाँ पे ये जो सिला हुआ है देख सकते हैं, तो ये देखिए एकदम क्लीन आया हुआ है। तो इसको कैसे सिलना है, स्लीव्स को हम कैसे अटैच करेंगे, तो वो वीडियो भी मैं आपको आगे बना कर दूँगी। ये देखिए पूरा स्लीव हमारा अटैच हुआ हुआ है, तो ये देखिए। तो चलिए, मैं आपको बता देती हूँ फटाफट इसको हमें कैसे सिलना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये दो सैम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। दोनों सैम्पल को मैंने सेम फंदों में और सेम ये जो लेंथ है सेम लेंथ तक बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको सिलकर बताऊँगी वो मैं डिफरेंट कलर से सिलकर बताऊँगी ताकि आपको बिल्कुल ठीक से दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक ये अलग यार्न अटैच कर रही हूँ ऐसे, और इसका कॉर्नर में भी देखिए जहाँ पर भी आपको सिलना हो वहाँ पर आप अगर सेम कलर से आपको सिलना है तो जैसे कि मेरा ये है तो आपको इसी से एक दो बार देखिए जैसे मैं ये वाइट कलर से आपको टक करके दिखा रही हूँ तो ऐसे ही आपको एक दो बार ऐसे करना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से आप इसको टक कर लेंगे ताकि ये आपके पास पास हो जाए। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर ये टक कर लिया है। तो टक करने के बाद में देखिए, आप यहाँ पे दोनों ही साइड में हमारे ये वी चेन्स होते हैं, ये वाले, ये देखिए वी चेन्स होते हैं। जो हम दो सिलाइयाँ बुनते हैं तब एक हमारा वी चेन बनता है। तो देखिए, अब हम इसको कैसे सिलेंगे, सबसे मेन चीज़ ये है। तो पहला तरीका देखिए यहाँ पर कैसे बनना है, आप देखते हैं यहाँ पर ये जो दो वी चेन्स हैं, देखिए एक दो, एक ये है और एक ये है, इन दोनों ही वी चेन्स के बीच में एक हमारा ये देखिए बार बन रहा है ये। तो इसको हम इस तरीके से नेडल डालेंगे इसमें, ठीक है। और दूसरे साइड में देखिए, ये देखिए एक वी चेन ये है, दूसरा वी चेन हमारा यहाँ पर है, तो इन दोनों के ही बीच से देखिए हम इस तरीके से नेडल डालेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जब हम लेफ्ट साइड आएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखिए ये दोनों वी चेन्स दिख रही हैं, इनके बीच में देखिए ऐसे इस तरीके से उठाते हुए देखिए हम यहाँ पर इसको निकाला। राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड से देखिए ये हमें दो बार नज़र आते हैं, ठीक है। अगेन ये देखिए, अगेन ये हमने सिला। देखिए, ये मेरा छोटा पैटर्न है इसलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट करके ही आपको इसको खींच कर बताऊँगी। अगर आप बड़ा पैटर्न सिल रहे हैं, पूरा स्वेटर सिल रहे हैं या कुछ भी सिल रहे हैं तो उसको आपको बीच बीच में इसको खींचते हुए बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में क्या होगा, हो सकता है ये आपका टाइट हो जाए, तो इसलिए हमें बीच बीच में इसको टाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही पूरा आपको डिटेल बताती हुई जा रही हूँ। ये देखिए, और जब भी आप इसको सिलें सेम कलर से सिलें या जिससे भी सिलें तो आपको उसको धागा बड़ा ही लेना पड़ेगा। ये देखिए, हम इसको सिलते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपको इतना करने के बाद में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसको हम यहाँ पर निकाल देते हैं।
ठीक है, ये देखिए ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से होल्ड करेंगे और इसको ऐसे देखिए पुल कर दीजिए, ये देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बिल्कुल भी कहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पर सिलाई की हुई है। देखिए जब आप इसको काफ़ी स्ट्रेच करेंगे तब आपको यहाँ पर ये देखिए अलग कलर देखिए जो मैंने लगाया है काफ़ी स्ट्रेच करने के बाद में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और बैक साइड से देखिए ये इस तरीके से आपका दिखेगा, ये देखिए बैक साइड में यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए इस तरीके से बनता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका नंबर 1। तो आपको ये प्रेफर लगे तो आप इसको सिलिए, ये देखिए। चलिए तरीका नंबर 2 हम देखते हैं कि हमें कैसे बुनना है। तो देखिए तरीका नंबर 2 हम देखेंगे तो उसमें भी देखिए हमारे दोनों ही साइड में ये आपको चेंज दिख रही है। देखिए मैं सेम पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ अटैच करके रखा है पहले से ही। तो आप देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें इस तरीके से ये देखिए नीडल क्रॉस किया, ये देखिए सपोज़ ये हमारा यहाँ अटैच है। तो आप देखिए हमें क्या करना है, ये आपको देखिए वी चेंस इधर भी दिख रही हैं, वी चेंस हमारे दूसरे साइड में भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा यार्न अटैच है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको एक बार अच्छे से यहाँ पर टक कर देंगे ऐसे, ताकि ये हमारे एक जैसे बने। ये देखिए हमने यहाँ पे टक कर दिया ढंग से। अब हमें देखिए क्या करना है, तो ये जो वी चेंस दिख रही हैं इसमें हम नीचे ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड की नीचे वाले वी चेन में देखिए ये लेफ़्ट साइड है हमारा, तो लेफ़्ट वाले ये देखिए नीचे वाले वी चेन में देखिए इस तरीके से हमने इस तरीके से इसमें नीडल डाला। दूसरे साइड के देखिए राइट साइड के भी नीचे वाले में ये देखिए फर्स्ट जो चेन होगी उसमें हम नीचे से इसको ऐसे डालेंगे ऐसे ही। देखिए ये देखिए नीचे से लेफ़्ट में आएंगे, आप राइट साइड के नीचे वाले चेन में देखिए नीडल को डालेंगे, क्रॉस करेंगे ऐसे। इसके बाद लेफ़्ट में आएंगे, देखिए नीचे वाला चेन, और ये देखिए। तो बस इसी तरीके से देखिए हम इसको करते हुए बुनेंगे, ये देखिए पूरा ही हम इसको टक कर लेंगे। ध्यान रहे कि अगर आप बड़ा पैटर्न बना रहे हैं तो बीच बीच में आप इसको टाइट करते रहें, अदरवाइज़ आपका जब आप इसको पुल करोगे तो आपका हो सकता है कि ये टाइट हो जाए, बीच में यार्न पतला हो जाए, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो आप इसको बीच बीच में इसको टाइट करते रहें, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोटा थ्रेड लिया था तो मुझे यहाँ पर टाइट करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको पुल किया, ठीक है। तो इसको हम पूरा ही कर देते हैं, तो देखिए इतना ही रखते हैं। तो देखिए इसको देखिए हमने ऐसा किया, तो यहाँ पर देखिए क्या अंतर है, ये जो पैटर्न आपका बन रहा है ये हमने गार्टर स्टिच पे बनाया हुआ है, ठीक है। गार्टर स्टिच का वी चेंज था इसलिए ये हमें ऐसा दिख रहा है। अगर हमारा ये वाला पैटर्न होता पास में, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले सिला था, तो आपको ये जो वी चेंज आ रही है ये वी चेंज देखिए वी बनाती हुई आ रही है, सिलने के बाद में ये पूरा वी नज़र आ रहा है। तो ये आपको इस तरीके से देखिए नज़र आता, बिल्कुल इनविजिबल, जैसे हमने इसको सिला है वैसे ही वो भी आता। ये देखिए मैं कितना यहाँ पर पुल कर रही हूँ तब ये थोड़ा इस तरीके से देखिए दिख रहा है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर कहाँ पे सिलाई हुई है, ठीक है। तो ये देखिए आप इन दोनों ही तरीकों में से कोई भी तरीका अपनाइए, आपका ये बिल्कुल इनविजिबल बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गार्टर स्टिच अगर ये वाला स्टिच है तो इसको कैसे इनविजिबल सिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिएगा, और हाँ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले समय में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।